अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हारिस हनीफ, ACCA फैकल्टी एट तवानीज स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी एंड आई डू टीच पेपर PM, AA एंड AAA। और ये जो तीनों एग्जाम्स हैं ये मोस्ट ऑफ द चैलेंजिंग एग्जाम्स हैं इन स्किल्स एंड इन प्रोफेशनल लेवल एज वेल। और आज मेरे साथ बहुत ही काबिल स्टूडेंट है ज़िशानुल हसन, और माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी स्कोरिंग ली है। इनकी स्कोरिंग के बारे में आपको मैं पहले बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़िशान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़िशान, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर अचीवमेंट। जो भी हम बताते हैं इसके इनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, पहले मैं ज़रा इनके बारे में ज़रा बैकग्राउंड बता दूँ। ही स्कोर्ड इन पोजिशन इन पेपर MA1, राइट, और F6 में, यानी कि टैक्सेशन में भी इनकी पोजिशन रही है। ज़िशान सर, अपनी स्कोरिंग बताएंगे आपकी MA1 में क्या स्कोरिंग थी? Assalamu alaikum, my name is Zishan Hassan and I am a student of ACCA from Tabani's School of Accountancy. I started ACCA by attempting MA1 first and I scored 96% in that, and I secured nationwide distinction in MA1 by scoring 96%. और F6 में आपकी क्या पोजीशन थी? In F6 I scored 97% and again I got nationwide distinction. और एक चीज जो है वो there is a very problematic situation in students के स्किल्स लेवल पे पेपर PM यानी F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को बहुत तंग करता है। और एक ये साइकोलॉजी भी बनी है, साइकी भी बनी हुई है कि बहुत चैलेंजिंग पेपर है, और है, इतना आसान भी नहीं है, है थोड़ा सा चैलेंजिंग पेपर, ये भी एग्री करेंगे। लेकिन माशाल्लाह ज़िशान ने इस पेपर PM में 94% लिए विद वर्ल्ड टॉप। यस, ही स्कोर्ड दुनिया में पहली पोजीशन, वर्ल्ड टॉप विद 94%। और ज़िशान कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट फॉर सच अ बिग अचीवमेंट। जब आपने रिजल्ट देखा था 94, सो व्हाट वाज योर फीलिंग? मतलब आपने रिजल्ट पे क्लिक किया, और वैसे मोहन रात को नींद आई थी? जब जब रिजल्ट होता है नींद आती है? सुबह 4-5 बजे हमारा रिजल्ट अनाउंस होता है। कभी सो जाता हूँ, कभी नहीं भी सोता। लेकिन FF के रिजल्ट में क्या आपकी फीलिंग थी? PM में मैंने जागने की कोशिश की, लेकिन सो गया। लेकिन तो जब आप उठे तो आपने अपना ईमेल चेक किया या रिजल्ट पोर्टल जो भी है, और आपने एकदम से देखा 94%, तो क्या आपको ऐसा लगा था कि आप अभी नींद में हो या रियलिटी में हो? ऐसे था, इत्तेफाक से मेरी 4 बजे आँख खुल गई थी, तो मुझे पता है नोटिफिकेशन आ जाता है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता नोटिफिकेशन को ड्रैग कर रहा था कि इसी की ईमेल आ चुकी होगी, तो वो आई भी थी। सो मैंने इसको ड्रैग किया। आई वॉज जस्ट होपिंग, शुरू में बस 9 हो और मैंने देखा 94, मैंने मोबाइल वापस रख दिया, फिर एक मिनट सोचा, फिर दोबारा उठाया 94। इन्होंने शायद ये देखा होगा, सोचा होगा कि मैं अभी भी नींद में तो नहीं हूँ, क्या ये रियल है या हम नींद में हैं। चले अगर एनीवेज ज़िशान, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अच्छा, आज हमारी जो ज़िशानुल हसन के साथ जो मीटिंग है उसका जो पर्पज़ है वो दैट इज़ ये कि इनकी जर्नी आपके साथ शेयर करें, और इनकी जर्नी के साथ साथ देखें हमें दूसरों से सीखना चाहिए। एक पता क्या चीज़ है, अगर हम खुद ठोकर खा के ठीक सीख जाते हैं तो हम ठीक तो हो जाएंगे, ठीक है, दैट हैपेंस, वो एवरी वन लर्न फ्रॉम हिज पास्ट मिस्टेक्स। लेकिन दूसरों को देख के जो सीखना है दैट इज़ अ रियल अचीवमेंट, आई बिलीव सो। तो ज़िशान, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा, मैं चंद सवाल करूँगा ताकि हम जो हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो पेपर F5 में अटैम्प्ट होंगे, जिन्होंने अटैम्प्ट देनी है F5 की, ताकि उनके जहन से सबसे पहला पॉइंट ये चीज़ क्लियर हो, ये पेपर मुश्किल है, आसान है, अटेनेबल है। पहले तो ज़रा आप ये बताओ कि व्हाट डू यू थिंक, ये पेपर मुश्किल है, आसान है या अटेनेबल है, मतलब क्या आपके क्या व्यूज हैं इसमें? पहले तो मुझे सब्जेक्ट बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि जब मैंने ACCA स्टार्ट किया था तो MA1 मुझे स्टार्ट से पसंद आ गई थी, MA1 से ज़्यादा, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोरिंग लगती है, तो मुझे स्टार्ट से पसंद था, ठीक है। लेकिन F5 से डर लगता था, क्योंकि सुना था कि रुकता है, जब मैं स्किल्स में नहीं आया था तब डर लगता था कि रुकता है, पहली अटैम्प्ट में क्लियर नहीं होता। लेकिन जब F5 मैंने स्टार्ट किया तो मतलब मैंने दिल में बोला था कि अब पता चलेगा F5 मेरा वाकई फेवरेट है या नहीं, F5 प्रूव करें। लेकिन जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो आई सेट टू माई सेल्फ, रिजल्ट कुछ भी आए, F5 बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो बहुत मुझे मज़ा आया पढ़ने में, और पेपर में भी मज़ा आया। पेपर थोड़ा ट्रिकी था, F6 और 7 भी मैंने दिया, वो बहुत आराम से हो गया था, मतलब एक भी ऐसा पॉइंट नहीं आया था मुझे कुछ फ्लैग करना पड़ेगा बाद में देखूंगा, लेकिन ऐसा 6 और 7 में नहीं था, लेकिन F5 में था। F5 में 2 क्वेश्चन मुझे बहुत मुश्किल लगे, मतलब क्लू ही नहीं मिल रहा था कहाँ से करने, लेकिन वही के कॉन्फिडेंस था कि इंशाल्लाह अल्लाह कोई ना कोई क्लू देगा, और फिर एंड में मिल भी गया था और हो भी गया था। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, जो आपने कहा जो 2 क्वेश्चन आपको चैलेंजिंग लगे थे वो CRQs में थे या MCQs में थे? आप लोगों को स्टूडेंट्स पता तो है कि MCQs, KSOTQs और CRQs हैं, तो चैलेंजिंग क्वेश्चन कौन से लगे थे वो ज़रा बताएं। मुझे CRQ जब मैंने स्टार्ट किया तो उसका पहला पार्ट मुझे बहुत मुश्किल लगा था, 10 नंबर का था, 10 नंबर का वो रेलिवेंट कॉस्टिंग का था, तो उसमें मैंने पूरा केस 2-3 बार पढ़ा, समझ ही नहीं आ रही स्टार्ट कहाँ से करूँ, रेलिवेंट कॉस्टिंग का था लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रही, तो फिलहाल मैंने उसको थोड़ी देर छोड़ दिया था। उसका पार्ट बी और सी किया था उसी CRQ का, जो अगले 10 नंबर थे, वो करके मैं दोबारा वापस आया, फिर दोबारा केस रीड किया,
फिर एक क्लू मुझे मिल गया और उससे मैंने पूरा सवाल कर लिया। एक ये मुश्किल था रेलिवेंट कॉस्टिंग और एक सीवीपी एनालिसिस का जो कि एमटीक्यू में था। एमटीक्यू में था एक एमटीक्यू में एक चार की दोनों 10-10 मार्क्स। तो आपकी क्या प्रैक्टिस रही थी कि फॉर एग्जांपल यू आर इन एग्जाम और आपको ये 10 नंबर की रिक्वायरमेंट सपोज मुश्किल लग रही है या टाइम कंज्यूमिंग लग रही है, सो व्हाट यू डिड, उसी के ऊपर टाइम आपने लगा दिया या अगले क्वेश्चन पे चले गए? नहीं, सीवीपी एनालिसिस मैंने छोड़ दिया था जब मुझसे वो नहीं हो रहा था। 3 सवाल हो गए थे, 2 नहीं हो रहे थे केस में से, 5 में से 3 हो गए थे, 2 नहीं हो रहे थे। तो फिर उसके बाद आपने उसी सवाल पे टाइम ज्यादा लगाया, एक सफिशिएंट टाइम से ज्यादा, रिक्वायर्ड टाइम से ज्यादा, या आप अगले सवाल पे गए? मैंने एक माइंड में सेट किया था कि मुझे सेक्शन और भी कब खत्म करना है, तो मैं उसको देख रहा था। उसके बाद मेरा एक केस रहता था तो मैंने वो 2 सवाल वहीं छोड़ दिए, मतलब इसके बाद आखिरी केस कर देता हूँ। तो मेरा आखिरी केस हो गया, मतलब 3 एमटीक्यूज हो गए, 2 सवाल छोड़ गया। फिर जो मेरा अलॉटेड टाइम था जो मैंने फिक्स किया था सेक्शन ए और बी के लिए, उसमें 5 मिनट रहते थे, तो मैं रिलैक्स हो गया कि अभी 5 मिनट हैं तो वो 2 सवाल रहते, मैं इन 5 मिनट में कर सकता हूँ। फिर मैं वापस गया वो 2 सवाल। अमूमन ये होता है कि 5 मिनट रह गए, घड़ी चल रही है, 5 मिनट रह गए, एक सवाल रह गया, दिल की धड़कन तेज़ है, तो इसमें अमूमन बच्चे घबरा जाते हैं। ऐसा अच्छा, वैसे जो मेरे 5 मिनट रहते थे वो सेक्शन ए और बी के रहते थे, पेपर में ओवरऑल टाइम रहता था, लेकिन मैंने सीआरक्यूज के लिए फिक्स किया हुआ था। लेकिन मुझे पता था कि मतलब सवाल तो मैंने पहले पूरा पढ़ा हुआ था, तो मुझे पता था कोई ना कोई क्लू आ जाएगा, कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर थे, सवाल में थोड़ा बहुत घुमाया हुआ था, एक बार फोकस से रीड किया तो एक छोटा सा पॉइंट मैं मिस कर रहा था, वो सही किया था, दोनों फोकस। तो स्टूडेंट्स का ज़रा कुछ अपने अच्छा आपकी सीक्रेट रेसिपी के बारे में भी हम आते हैं, पहले तो ज़रा एग्ज़ाम मैनेजमेंट के हवाले से स्टूडेंट्स को आप थोड़ा सा गाइड कर दो कि टाइम मैनेज कैसे लेकर चलना है, और अगर कोई सवाल नहीं आ रहा तो क्या लेकर चलना है, इन पर ज़रा स्टूडेंट्स को बताएं। सबसे पहले मैंने अभी 3 एग्जाम्स दिए हैं स्किल्स के, तो तीनों में मैंने ये कोशिश की सेक्शन ए और बी का मैं जल्दी जल्दी जल्द से जल्द कर लूँ, लेकिन कोई सवाल गलत ना हो, क्योंकि मतलब इनमें मार्क्स ऐसे होते हैं छोटी सी गलती और 2 मार्क्स गए। सीआरक्यू की वजह से मैं कभी भी इनको जल्दी नहीं करता कि फौरन से सीआरक्यू पे पहुंच जाऊँगी, मुझे पता है यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स मतलब इजीली गेन किए जा सकते हैं, एक छोटी सी गलती की 2 नंबर गलत हो जाएंगे। सो F7 और F6 से तो मैंने एक एक घंटा रखा हुआ था कि 1 घंटे मुझे सेक्शन ए और बी करना है, लेकिन मुझे पता है F5 का थोड़ा ट्रिकी आता है, पुराने स्टूडेंट से भी सुना था कि MTQs मुश्किल आते हैं इसमें, तो मैंने इसके लिए थोड़ा 1 घंटा 15 मिनट रख लिए थे बाकी CRQs के। ठीक है, अब देखिए इन्होंने भी सुना था जो बच्चे अभी अपीयर हो रहे हैं, यानी कि आप लोग जो देख रहे हैं कि पेपर F5 मुश्किल है। देखिए मैं एज अ टीचर ये कहूँगा F5 मुश्किल नहीं है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, जिसके लिए आपका मेच्योरिटी लेवल थोड़ा सा हाई होना चाहिए। एनीवेज सुना हुआ होता है पेपर मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, व्हाटएवर, इन्होंने भी सुना था, लेकिन इस चीज़ को मेरे ख्याल में दिमाग पर सवार नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ मुश्किल है तो उसका एक सॉल्यूशन भी है ना, विद एवरी प्रॉब्लम देयर इज़ अ सॉल्यूशन, तो आपको उसके सॉल्यूशन पे जाना चाहिए रादर देन कि हम इसके ऊपर रहें कि क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पे ही रहेंगे और ये तमाम चीज़ें। अच्छा जीशान, ये मुझे बताएं थोड़ी सी सीक्रेट रेसिपी स्टूडेंट्स को, ताकि उनके साथ आपकी जो जर्नी वो शेयर हो, कि आपकी पढ़ाई का पैटर्न क्या था, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है June 23 का जो ये टॉप स्कोरर है अक्रॉस द ग्लोब, इसमें जहाँ तक मुझे याद है कि आप कुछ क्लासेस में थे, कुछ क्लासेस आपने ऑनलाइन ली थी, ये मुझे याद है इनकी, तो क्या आपकी पढ़ाई की रेसिपी क्या है, ज़रा सीक्रेट रेसिपी पहले ये बताएं। अच्छा F5 में तो मुझे हजारों जो देख रहे हैं वो सब 90s में लाए, ठीक है, अच्छी बात है, पाकिस्तान का नाम रोशन हो 90s में लाने से। मेरी जो सीक्रेट रेसिपी, अच्छा इसमें थोड़ा बहुत, इस अटैम्प में मैं चला गया था आउट ऑफ टाउन फॉर 15-20 days, तो वहाँ से मैंने कोई क्लास भी नहीं ली थी, सो मैंने ऑनलाइन भी लिए, फिजिकल भी लिए और रिकॉर्डेड भी लिए इस सेशन में। वैसे तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सारी फिजिकल ही लूँ, लेकिन F5 में मुझे कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड भी लेनी पड़ी और कुछ ऑनलाइन भी, क्योंकि मैं चला गया था कराची से। मतलब आप आउट ऑफ टाउन गए थे? जी, 15-20 दिन के लिए गया था रमज़ान के एंड में, और फिर ईद के बाद आया था, तो उस वजह से कुछ क्लासेस मुझे रिकॉर्डेड भी लेनी पड़ी, वापसी आगे कवर किया। अच्छा मुझे एक बात ये बताएं, जिस टाइम पर आप ईद के लिए कहीं आउट ऑफ टाउन गए थे, तो उसमें इन अ मीनवाइल जो आप नहीं थे यहाँ कराची में, तो आपने वो सेशन रिकॉर्डेड लिए थे या लाइव क्लासेस ली थी? लाइव नहीं ली थी, क्योंकि वहाँ पे एक तो नेटवर्क इशू भी होता है और दूसरा मैं मतलब अच्छा। पढ़ने के लिए गया भी नहीं था, तो मैंने बोला वापसी आके कवर कर लूँगा, लाइव नहीं ली थी, वो सारी आके रिकॉर्डेड ली थी। यानी कि अगर बच्चों की 2-3 क्लासेस या 3-4 क्लासेस मिस होती हैं तो वो चाहे तो वो रिकॉर्डिंग से कवर कर सकता है। जी, मैंने 3-4 से ज़्यादा कवर किया रिकॉर्डेड से आके वापसी आके कराची। एंड व्हाट वाज योर स्टडी ड्यूरेशन, एक सवाल मेरा ये स्टडी ड्यूरेशन, क्योंकि अमूमन एक साइकोलॉजी होती है कि 4 घंटे पढ़ लो, 6 घंटे पढ़ लो, ये पढ़ लो, विच आई डोंट बिलीव सो। मैं ये समझता हूँ कि ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड रहना चाहिए, मैं ये समझता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं इनकी ज़रा रेसिपी हम लोग जो है वो डिस्कस कर लें। जी, मुझसे भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि
कितने घंटे पढ़ना है, तो ये सबसे मुश्किल सवाल है, इसका कोई जवाब नहीं दे मेरे पास भी नहीं होता इसका कितने घंटे पढ़ना है, क्योंकि हर स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग है। कुछ बच्चे जो चीज़ एक घंटे में कवर कर पाते हैं वही चीज़ किसी को तीन घंटे में कवर हो रही होती है, तो आप किसी बच्चे को टाइम नहीं बता सकते कि छः घंटे पढ़ लो तो पास हो जाओगे, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कितने घंटे पढ़ने से पास होते हैं या पोजीशन आती है, तो जैसे सर ने कहा कि ऑब्जेक्टिव बनाया होता है कि आज फॉर एग्जांपल मुझे ये टॉपिक करना है तो ये करके उठना है, चाहे उस पर दो घंटे लगें या चार घंटे लगें। मैं भी ऑब्जेक्टिव से ही पढ़ता हूँ, मतलब ये करना है तो आज करना है, चाहे अब वो एक घंटे में हो जाए तो मैं छोड़ देता हूँ कि ये नहीं कि अब एक्स्ट्रा भी पढ़ूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें अगर छः घंटे लग रहे हैं तो फिर छः घंटे भी बैठ के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव बनाए होते हैं। लेकिन फिर उस छः घंटे को छः घंटे दें। यस, छः घंटे को छः घंटे दें। अच्छा जीशान, एक और मेरा क्वेश्चन, आपने नंबर वन लेक्चर्स तो ज़ाहिर आपने पूरे लिए थे, आपने छुट्टियाँ नहीं की थी, अगर की थी तो उन्होंने, देखो रिकॉर्डिंग्स मैं समझता हूँ आज के इस दौर में रिकॉर्डिंग्स होना एक ब्लेसिंग्स है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं पढ़ रहा था ACCA उस वक्त ये ऑनलाइन का ये सेटअप इतना कॉमन नहीं था पाकिस्तान में, बल्कि इवन इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ होगा। तो अगर हमारी कोई क्लासेस मिस होती थी तो फिर वो किसी फ्रेंड से और ये इस तरह करके हम लोग कवर करते थे, अगर कोई मिस होती थी तो 100% फिजिकल। तो आज के इस दौर में आपके पास अगर कोई क्लास मिस हो रही है तो आप रिकॉर्डिंग के जरिए से कवर कर सकते हो, विच ही डिड एंड इसको 94%, इट्स नॉट अ जोक कि आप 5 में 94% देकर आना, तो ये रिकॉर्डिंग से कवर किया जा सकता है। अच्छा लेक्चर तो आपने पूरे लिए, व्हाट अबाउट योर थ्योरेटिकल, क्योंकि आप 5 के अंदर थ्योरी है, मतलब 20 मार्क्स के आपके पास एक CRQ है, मुझे नहीं पता आपको कितना थ्योरी का वेटेज आया था, लेकिन हाउ डिड यू कवर योर थ्योरी, आपने थ्योरी को कैसे कवर किया था? थ्योरी की जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट की थ्योरी है उसके लिए तो मैंने बुक पढ़ी नहीं थी, मतलब परफॉर्मेंस मेजरमेंट का जो भी सेक्शन था वो पूरा छोड़ दिया था, बुक नहीं पढ़ी थी, क्योंकि क्लासेस ली हुई थी और सर ने तरीका बताया था कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट का आंसर कैसे ड्राफ्ट करना है, यानी वर्ड वाई क्या चीज़ हुई है उसके पीछे रीज़न ढूंढने, वो सब आप केस से उठाते हैं, वो बुक रीडिंग से कुछ खास इंप्रूव नहीं होता मेरे ख्याल से। और सर से मैंने मशवरा भी किया था, सर ने कहा था परफॉर्मेंस मेजरमेंट की नहीं भी पढ़ो तो चल जाएगा, तो मैंने परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बुक नहीं पढ़ी थी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस किए थे। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट की जो यही वो है टिप है टेक्निक है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बुक से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि अलग ही केस आएगा, बुक वाला केस तो कोई रिपीट होगा नहीं, तो आपको पता होना चाहिए केस को यूज़ करते हुए आपने आंसर कैसे ड्राफ्ट करना, तो वो रीडिंग से इंप्रूव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। CRQ के लिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बुक ना भी रीड करें तो चलेगा फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। उसके अलावा मैंने बुक रीड की थी, बाकी तो बजटिंग वेरियंसिस वगैरह की थी, कॉस्टिंग का टॉपिक किया था पूरे, जो कॉस्टिंग के 5 चैप्टर हैं उसकी बुक रीड की थी, मतलब सिलेक्टिव बुक रीड की थी, पूरी बुक रीड नहीं की थी, मतलब सर से मशवरा वगैरह करके सर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए कुछ चीज़ें, मतलब थ्योरी की सब चीज़ें इतनी अच्छी क्लास में कवर करवा देते हैं, एक एक चीज़ लिखवाते हैं अपने पास से, हमें नोटिंग करवा देते हैं, थ्योरी F5 के जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसका तो मसला था ही नहीं, क्योंकि वो सर इतनी अच्छी कवर करवा देते थे, अपने नोट्स में भी होती थी और फिर क्लास में हमें एक एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ लिखवाते थे, आंसर ड्राफ्ट कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस बताते थे, सबसे पहले क्या लिखना है उसका, इसका रीज़न कैसे केस से निकालना है, गिवन होता है केस में अपने पास से जनरल बातें नहीं लिखी, तो थ्योरी वहाँ से बहुत अच्छे से कवर हो गई थी, क्लासेस से ही नोट्स से हैंड आउट्स वगैरह से कवर हो गई थी, जैसे सर लिखवाते हैं उससे ज़्यादा थ्योरी कवर। और व्हाट अबाउट योर क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम ऑफिशियल एग्जाम किट्स जो VPP और कैप्लन है, आपने दोनों एग्जाम किट्स की थी? क्योंकि मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि दोनों एग्जाम किट करो, इन्होंने क्या नहीं किया वो ज़रा पूछते हैं, तो मुझे भी नहीं पता भी पूछ रहा। मैंने स्किल्स में एक ही स्ट्रैटेजी बनाई है जो हर पेपर के लिए सेम लेके चल रहा हूँ, 7-6-5 सेक्शन 8 भी मैं दोनों से करता हूँ, VPP से भी कैप्लान से भी, यानी कि MCQs और केस स्टडीज और MTQs दोनों से करता हूँ, सेक्शन ए और बी, CRQs सिर्फ एक किट से करता हूँ और वो किट होती है कैप्लान, वैसे दोनों में सेम ही होते हैं लेकिन मैं कैप्लान यूज़ करता हूँ CRQs के लिए, सेक्शन ए एंड बी दोनों किट से करता हूँ, VPP प्लस कैप्लान। विच आई यूज टू गिव एडवाइस कि MCQs आपने दोनों एग्जाम किट से करनी है, यानी कि आपने कोई अनयूजुअल कोई अनोखा काम नहीं किया? नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी, आउट ऑफ द बॉक्स। क्या पेपर बुक से बाहर आता है? नहीं, कोर्स से बाहर आता है, तो पेपर तो वही है, यानी कि इन्होंने इनकी जो जर्नी रही थी वो इट वाज वेरी सिंपल, लेकिन जितना मैं एनालाइज कर सका हूँ वो जर्नी थी क्वालिटेटिव, क्वालिटी के ऊपर उन्होंने फोकस किया था कि हमने पढ़ना है, टाइम देना है, और टाइम देने के साथ अगर आपने एक माइंड बना लिया, जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि सपोज़ आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो बजटिंग या मिक्स और यील्ड वेरिएंस आज आप पढ़ रहे हो, तो उसको ख़त्म करके ही आपने आज जो है ना वो उसको ख़त्म करना है, ख़त्म करके ही उठना है, टाइम मैनेजमेंट। अच्छा सीशान मुझे एक और बात बताएं, मैंने जो ये एक सिलसिला शुरू किया था आंसर्स को मार्किंग करवाने का, टू बी वेरी सिंपल एंड सीरियस, आपने कोई असाइनमेंट चेक करवाया था? जी मैंने करवाया था, असाइनमेंट चेक करवाया था, तो उससे कोई बेनिफिट मिलता है? जी बिल्कुल, मतलब स्टूडेंट्स को हम कहते हैं कि असाइनमेंट है ये आपने करना है,
इसको सबमिट करना है ताकि मार्किंग हो के आपको इसका फीडबैक मिले। इसका कोई वैल्यू एडिशन होता है? बिल्कुल, मैंने सवाल किए थे और फीडबैक के लिए भेजे थे, उसका फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिला था। दो तीन ऐसे पॉइंट थे जो केस में गिवन थे लेकिन मुझसे मिस हो गए थे। मिस हो गए थे? मैंने अच्छा आंसर लिखा था लेकिन फिर भी दो तीन पॉइंट मुझसे मिस हो गए थे। एक डेप्रिसिएशन का पॉइंट था, तो वो जो फीडबैक मिला उससे पता चला कि आप केस को मजीद बेहतर कैसे यूज़ कर सकते हैं, उससे वो इम्प्रूवमेंट। तो यानी कि असाइनमेंट चेक होने चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर गलती पता चल जाए रादर देन इन द ACCA एग्जाम हॉल। ये आपकी जो है ना वो ये चीज़ें हैं। अच्छा, और व्हाट अबाउट योर जनरल कमेंट्स ऑन पेपर F5, जनरल कमेंट्स? क्योंकि बच्चे जो है ना वो सितंबर के लिए तैयारी करेंगे, कुछ दिसंबर के लिए कर रहे होंगे, कुछ सितंबर के लिए, तो बच्चे बहुत डरे भी होते हैं। ये F5 है, क्या है ये? मतलब इज़ इट समथिंग कुछ खौफनाक भला है या क्या है, उसके हवाले से बनाए ताकि स्टूडेंट रिलैक्स होकर पढ़ाई करें और उसको पेपर में अटेंड करें। सच बना के रिलैक्स करना है? बिल्कुल सच। ठीक है, F5 थोड़ा ट्रिकी तो है। जैसे मैंने बताया कि मुझे पहले सब्जेक्ट में 7 में 6 में कोई मुश्किल हुई नहीं पेपर अटैम्प्ट करते हुए, बिल्कुल फ्लो से एक ही फ्लो से सारे क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे। लेकिन F5 में हुई, 20 मार्क्स में हुई मुझे, एक उसमें MCQ में और एक CRQ में। लेकिन मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस। अगर वहाँ कॉन्फिडेंस शेयर हो जाता तो मैं 100 में से करके 80 का आ पाता, लेकिन मैं पूरा 100 का करके आया था। मैं क्योंकि कॉन्फिडेंस था कि मुझे पता था कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे, मैं कहीं ना कहीं से मुझे सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं से मुझे कोई रास्ता मिलेगा और मैं सवाल कर लूँगा। सो मेन चीज़ है F5 में ट्रिकी तो है, वो कहीं ना कहीं तो फंसाया गया एग्जाम। तो उसके लिए आपको रेडी रहना, कि कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ ये चीज़ मुश्किल आई है मैं कर लूँगा। तो उसके लिए पहले से आप प्रिपेयर करें कि एग्जाम में कुछ भी है मैंने मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है वो मैनेज कर लूँगा, एग्जाम में प्रेशर नहीं देना। क्योंकि F5 का एग्जाम है तो थोड़ा तो मुश्किल हो गया, लेकिन उसको आप अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आई गारंटी कि कोई ना कोई रास्ता आप एग्जाम सेंटर में निकाल के आएंगे। एक कॉन्सेप्ट क्लियर और दूसरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रेशर में नहीं आ जाए, मतलब जल्दी जल्दी ना करें। मुझे एज अ स्टूडेंट अगर मुझसे एक सवाल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो उस पर पहले आप देखें हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं, 10 मिनट मैंने एलोकेट किए थे फॉर एग्जांपल एक पार्ट के लिए। सही, 10 मिनट एलोकेट कर दिए, 5 मिनट हो गए अभी तक सवाल स्टार्ट नहीं किया। ये मैं अपना बता रहा हूँ क्योंकि मुझसे नहीं हुआ था रेलिवेंट क्वेश्चन का सवाल, स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था। स्टार्ट कहाँ से करना है, फिर मैंने वो छोड़ दिया था। मैं उसी से आ रही हूँ कि B और C पे चला गया था। मुझे लगा था अगर यहीं इस पर लगा रहूँगा तो शायद ये तो एंड तक हो जाए लेकिन बाकी रह जाए, तो आपका कोई नंबर मिस हो जाते। हाँ, 10 नंबर 20 नंबर को आप सवाल छूट सकते। हाँ, मैं से वो बैलेंस स्कोर कार्ड का सवाल आता शायद वो रह जाता, क्योंकि मैं अभी पहले CRQ पे था। पहले CRQ भी 2 मजीद पार्ट थे लीनियर प्रोग्रामिंग से आए, तो वो भी रहते थे और बैलेंस स्कोर कार्ड का पूरा 20 नंबर का भी रहता था। तो मैंने रेलिवेंट क्वेश्चन छोड़ने के लिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने अगले पार्ट्स किए, B और C किया, फिर अगेन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पर नहीं गया। मैंने देखा कि जो मेरा 1 CRQ का टाइम था उसमें कितना टाइम मिलता है, एंड अगेन लिखली थोड़ा टाइम रहता था। फिर वापसी में पार्ट A पे चला गया और फिर अल्लाह ने वो करवा भी दिया और वो मेरा रेलिवेंट पोस्टिंग हो गया। फिर जब कॉन्फिडेंस परफॉर्मेंस मेजरमेंट रहता था तो मेरे पास अलहमदिल्ला मैंने सोचे हुए थे कि 40-45 मिनट में कर लूँगा, लेकिन मेरे पास 55 मिनट्स है। तो वहाँ मैं मजीद मतलब रिलैक्स हो गया कि मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, और मेरे 5 मिनट पहले पेपर हो गया था तो अब मैं सोचा था अब करूँ क्या, मैं बस रिलैक्स हो गया था। चलो ठीक है, ये तो इनकी बहुत अच्छी जर्नी रही है। सो ये था कुछ हमारा इनका फीडबैक ऑफ ज़िशानुल हसन रिलेटेड टू पेपर F5, जो कि वर्ल्ड टॉपर है, सॉरी वर्ल्ड हीरो है फॉर पेपर F5। ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट वेरी इजी टू स्कोर 80 मार्क्स इन पेपर F5, 80s में लाना भी एक बड़ी बात है, एंड ही स्कोर 94%। वंस अगेन ज़िशान, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपको दिली मुबारकबाद और बहुत सारी दुआएं। अगले पेपर में आप अच्छी जर्नी जो है ना वो आपकी रहे, और दैट्स वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वन लास्ट, ओके, बिल्कुल श्योर। एक चीज़ बस कहना चाहूँगा कि मैं अपने सबसे पहले पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया ACCA के स्टार्ट से। माई मदर, फादर एंड ब्रदर्स, 2 भाई मैंने उन्हें बहुत सपोर्ट किया ACCA की जर्नी में, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैंने पूरी दुनिया में पोजीशन ली तो ये क्रेडिट उनको भी जाता, और स्पेशली पेरेंट्स और टीचर्स, मतलब सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो जाता है पेरेंट्स और टीचर को जाता है, सर हारिस एंड माई पेरेंट्स, सो आई वॉन्ट टू थैंकफुल टू दैट। वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर। चलिए स्टूडेंट्स, ये था इंटरव्यू सेशन विद ज़िशान, और देखिए सबसे पहले मैं फिर वही कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस, और आपने टेंशन नहीं लेनी और आपने इस चीज़ को अपने दिमाग में सवार नहीं करना। ये कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।